हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्टोरी। आज मैं उन लोगों के लिए एक यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो लोग कलर करते हैं और उनको कलर में ब्राउन कलर पसंद है, उनको ब्लैक कलर पसंद नहीं है। तो ब्राउन कलर आप घर में नेचुरली कैसे कर सकते हो, हर्बल तरीके से और बिना पैसे खर्च किए, तो उनके लिए मैं आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें कुछ खर्चा भी नहीं करा है और आपका कलर भी 100% इफेक्टिव रहने वाला है। जो आप कलर इतने महंगे महंगे करते हो वो आपकी कॉस्ट भी बचने वाली है और ये जो रिजल्ट है आपको 100% देगा और इसके साइड इफेक्ट जीरो है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, ये चेहरा आप पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन इसे भी दबा दो। आप सोचोगे कि क्यों? तो इसलिए कि कम सामान में आपको और अच्छी वीडियो, रिजल्ट देने वाली वीडियो देखने को मिल सके। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको देखने को मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको दिख रहा है, मैंने एक कप पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। ये चाय की पत्ती को मैंने अच्छे से बॉईल किया है कि ये पानी आधा हो गया है, जो आपके बालों को अच्छी शाइन देती है, अच्छी मजबूती देती है, आपके बालों को बढ़ने में मदद करती है और आपके बहुत सारी बालों की प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करती है। आप ये बात पहले से जानते हो। तो मैं दूसरी चीज क्या ले रही हूँ, मैंने इस पानी को छान लिया है। अब पानी हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने डाला है 1/2 चम्मच कथा, जो आपको दिख रहा है ये गीला है, इसकी वजह से मैंने 1/2 चम्मच आपको दिख रहा है लगभग लिया है। अगर पाउडर फॉर्म में आपको मिले तो आप 1 चम्मच पूरा लोगे। ये जो कथा है ये आपके बालों को नरिश करेगा, कलर अच्छा लाएगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा और सबसे बड़ी बात आपके बालों में जो कलर है वो टिकाऊ रहेगा, बहुत टाइम तक चलेगा। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। आप तो जानते हो कत्था इतना इम्पोर्टेंट होता है कि पहले के टाइम में तो लोग डाई करने में भी कत्थे का यूज करते थे। तो मैंने सबसे पहले लिया है कत्था और अब मैंने इसको पानी में, चाय के पत्ती के पानी में आपको दिख रहा है मैंने घोल लिया है। अब मैंने इसमें ली है 5 चम्मच ये मेहंदी। अब इस मेहंदी को मैं चाय की पत्ती के पानी में अच्छे से घोल रही हूँ, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। मेहंदी के बारे में आपको पता है, मेहंदी हमारे बालों को अच्छा नरिश करती है, बालों को मजबूत करती है, अच्छा कलर लाती है और हमारे बालों को बढ़ने में मदद करती है। तो आप समझ सकते हो मेहंदी तो अक्सर लोग लगाते रहते हैं, अगर आप इस तरह से लगाओगे तो मेहंदी का कलर ब्राउन आएगा, जो आप समझ सकते हो ना गोल्डन जैसा ब्राउन जो होता है, जो शाइन बहुत अच्छी देता है, तो इस तरह से आपका कलर ब्राउन होगा। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ब्लैक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, आपका कलर ब्लैक नहीं होगा, ब्राउन होगा। अब मेहंदी को अच्छे से मैंने घोल लिया है। अब मैंने इसमें एक चीज और डाली है, वो आपको दिख रही है, मैंने 2 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है। कॉफी में आपको पता है कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, मेरे बालों के कलर को ब्राउन करता है। और अगर आप चाहो तो इसमें 2 लौंग भी डाल सकते हो, चाय की पत्ती के साथ या गर्म पानी में डाल के निकाल दोगे, क्योंकि ये जो क्लोव होता है ना ये कलर को पक्का करता है और बालों को नरिश भी करता है। मैंने नहीं डाला है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहो तो इसको डाल सकते हो। मैंने इस मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैंने इसको गला के रख दिया। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप करीब करीब 2 घंटे गला के जरूर रखें, फिर आप इस मेहंदी को लगाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 घंटे लगा सकते हो, 2 घंटे गलाने के बाद आप 2 घंटे लगा के भी रखना है आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो मिनिमम से मिनिमम 1/2 घंटा तो आप लगाएं। देखो 2 घंटे लगाने का मतलब यह है कि बालों को नरिश भी करना है, बालों को अच्छा कलर भी आना है। अगर आप ज्यादा टाइम तक लगा के रखते हो ना तो बालों में कलर पक्का होता है और अच्छा कलर भी दिखाई देता है। अब आपने इतनी मेहनत की है तो आप किसी दिन टाइम निकाल के उसको रखो भी बालों में लगा के। और बालों में लगाने का तरीका मैंने बहुत पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है, इसलिए मैं इसको लगा के नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आपके ये बालों का कलर बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपको इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस हेयर पैक को लगाओगे आप, इस तरह से मेहंदी को लगाओगे तो आपके बाल जो फ्रिजी हैं वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे, आपके बालों की शाइन अच्छी हो जाएगी, आपके बालों में स्मूथनिंग आ जाएगी, आपके बालों में कंडीशनिंग का काम भी हो जाएगा। मैं आपसे कहती हूँ कि इस तरह से अगर आप मेहंदी जरूर एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भर भर के लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कथा इतनी अच्छी चीज है कि अगर कॉफी के साथ मिला के लगाया जाए तो इतना शानदार ब्राउन कलर आ सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको टाइम देना पड़ता है, डाई आप लाते हो फटाफट लगा लेते हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आपको याद होंगे कि कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, परमानेंट व्हाइट होने लगते हैं, उनको बार बार लगाना पड़ता है। इसमें आपको इस तरह का कोई झंझट नहीं है,
तो आपको सिर्फ ये करना है कि टाइम देना है, जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप सुबह उठते ही सबसे पहले इसको गला लो, काम करने से पहले इसको लगा लो, तो आपके बालों में कलर भी अच्छा आ जाएगा, कंडीशनिंग भी अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये इतना सरल तरीका है कि आपको बस पहले से सोचने की जरूरत है, और ये कलर करना बहुत आसान भी है। तरीके से लगाते हो तो कम से कम एक महीने चल जाता है, एक मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम एक महीने चल जाता है। अगर आपके बाल व्हाइट नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम तक चल जाता है, क्योंकि अगर आपके बाल व्हाइट है तो जड़ से आपका जो बाल निकलेगा वो व्हाइट आएगा, लेकिन आगे जो आपने बाल लगा लिए हैं उसमें तो आपको बहुत टाइम तक चल जाता है। तो अगर आप इस तरह से लगाते हो तो बाल आपके ब्राउन होंगे। अगर आपको ब्लैक करने के लिए मेहंदी लगानी है, हिना, अगर ब्लैक करने के हिसाब से लगाना चाहते हो, अपने बालों को कलर करना चाहते हो हिना के तरीके से, मेरी पुरानी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बालों में अगर ब्लैक कलर लाना हो तो मेहंदी को किस तरह से गलाते हैं और उसमें क्या डालते हैं। मैंने बालों की बहुत सारी वीडियो बनाई है, बालों का जेल घर पे कैसे बनाते हैं, बालों को कंडीशनिंग कैसे करते हैं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपके बालों में शाइन चली गई है तो आप अपने बालों को कैसे ठीक कर सकते हो, ये मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जो आप जाके विजिट कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि कितने सरल तरीके हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। और आप अपना ऑयल को परफेक्ट ऑयल कैसे बना सकते हो, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने घर में अपने ऑयल को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, जिससे कि वही ऑयल जो आप अभी तक लगा रहे थे जिससे बाल झड़ रहे थे, लेकिन उसी ऑयल को अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो जल्दी से एक लाइक कर दो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं और फिर खुद ही परेशान रहते हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।